अभी रात का टाइम हो रहा है, मतलब 10-11 बज रहे हैं और हमारी अभी छुट्टी हो गई, आधा घंटा पहले हुई थी। और हमें तो ये पता भी नहीं चलता, घर के अंदर जब रहो ना तो घर के अंदर पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चला, ना धूप पता नहीं चल रही। लोगों का मतलब खाना लगेगा यहाँ पे, तो ये देखिए डाइनिंग टेबल कुछ ऐसे सजा के तब रखे जाते हैं, मतलब खाना सर्व किया जाता है। ये देखो हमारा दोस्त, ये मेरा भाई है लंबू सा, सबसे लंबा घर पे गया। ठीक है, वेलकम माय ब्लॉग चैनल, आई होप आप लोग अच्छे। मेरा नाम है रोशनी, तो आज आप लोगों को न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मतलब और मैं अभी जा रही हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, तो मेरा भाई कहाँ रहता है चलो मैं आप सभी को दिखाऊँगी, ठीक है। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए ताकि मैं अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है दोस्तों। चलो चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने भाई के पास जाते हैं तो ये बड़ा सुंदर सा पार्क मिलता है हमें जाने के लिए, तो हम इसको पार्क करके तब मैं जा रही हूँ इसको। देखो देखो ये है पार्क, तो इसको पार्क करके फिर हम लोग जा रहे हैं इसको मैं लेके दे देखो। दोस्तों ये देखो जब मैं पार्क से जा रही ना इसको, ये देखो इसमें ना बरैया का छत्ता मुझे दिखा यहाँ पे, और बहुत सारी बरैया लगी हुई है यहाँ पे, मधुमक्खी का छत्ता है ये देखो, अभी इधर से दिख नहीं रहा है, देखो देखो अब इसके ऊपर लगा हुआ है ये देखो, बिल्कुल जंगल जंगल है यहाँ पे। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक लोग और हैं, है ना, मतलब मेरी बहन है, तो उसको वो आगे आगे जा रही है और मैं पीछे हूँ, तो ये देखो खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों हम लोग ना पहुँच गए हैं अपने भाई के पास, और बस वो मैंने उसको कॉल किया तो कह रहा बस आ रहा हूँ नहा के, तो हम लोग उसको वेट करेंगे तो मैं आपको लोगों को मिलाएंगे। तो ये देखो हमारा दोस्त, ये मेरा भाई है लंबू सा, सबसे लंबा घर पे गया है। ये देखो सबसे भारी आदमी यही है हमारे घर पे, हिम्मत इसमें आम है, मम्मी ने भेजे थे ना आम और जामुन, तो वो लेके। तो देखो ये देखो आज मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो हमने देखो पूरा किचन दिया है फैला, क्योंकि खाने पे बहुत सारा खाना बनाना है, और हमने डाइनिंग टेबल लगा दिया है, बस खाना हमारा बनने वाला है तो खाना हम लगा देंगे। चलो हम दिखाते हैं डाइनिंग टेबल आखिर असली तरीके से लगती कैसे है। ये देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल, मतलब खाना कैसे बैठ के लोग खाते हैं, देखिए ऐसे लोग बैठ के खाते हैं। एक तो ये 4 लोगों का मतलब खाना लगेगा यहाँ पे, तो ये देखिए डाइनिंग टेबल कुछ ऐसे सजा के तब रखे जाते हैं, मतलब खाना सर्व किया जाता है कुछ ऐसे। रात का टाइम हो रहा है, मतलब 10-11 बज रहे हैं और हमारी अभी छुट्टी हो गई, आधा घंटा पहले हुई थी, और थोड़ा सा हम मतलब घूम रहे हैं घर के बाहर, मतलब अब दिन में सारा दिन तो काम करो फिर थोड़ा सा घूमो बाहर, आधा एक घंटा घूम लो सड़क पे, अपने घर के बगल में ही घूम लेने मिलता है, ज़्यादा कुछ बाहर बाहर घूमने को मिलता नहीं है। हमें तो ये पता भी नहीं चलता, घर के अंदर जब रहो ना तो घर के अंदर पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चला, ना धूप पता नहीं चल रही, ना बारिश पता चल रही, कुछ भी नहीं पता चलता। जब बाहर सब कुछ हो जाता है ना तब पता चलता है रात में कि बारिश हो, ये हुआ वो हुआ। तो आज मैं ना तहरी बनाने जा रही हूँ, जैसे गांव में नहीं बनाते हैं अच्छे से प्यारे से, मतलब खूब टेस्टी सी, खूब नमकीन वाली और बहुत ज़्यादा तीखी वाली बनाने जा रही हूँ, मतलब बना ली है, मैंने शौक भी दिया है। ये देखो आज ऐसे बना दी, देखा ना, खाने में ये बहुत ज़्यादा आलू और हरी मटर का इसका चावल के साथ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और इधर हमने उबाल लिया है दूध, मतलब घी बनाने के लिए, तो उसको उबालें। और आज हमें खाने के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैं बनाने जा रही हूँ गांव जैसा खाना, मैं खाने को बहुत, मैं यहाँ पे बहुत फीका फीका खाना बनाते हैं ना, तो इसलिए बना रहे हैं अपना, जैसे गाँव में जैसे बहुत तीखा तीखा बनाते हैं, तो वैसे ही मैं बना रही खाना। तो जब मैं बना लूँगी ना, खाऊंगी ना, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं क्या क्या डाली हूँ, क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है और कैसे मैं बनाई हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये देखो हमारी बन गई, रेडी हो गई है। तो दोस्तों हम वो खाने जा रहे हैं अपनी तहरी। ये देखिए गांव में तहरी खाते हैं ना, तो वो मैं खाने जा रही हूँ। ठीक है, टेस्ट करके मैं बताती हूँ कैसे बनाएं। बहुत अच्छी बनी, खाने में अच्छा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मिला है मुझे ऐसा खाना।